हमारी सुबह हो गई है और ये छोटे मियाँ भी उठ गए हैं। सुबह हो गई है आपकी, अभी इनका मुंह भी गर्म पानी से धुलाएंगे। अभी इनको थोड़ी सी धूप लगवाएंगे, आज 3 से 4 दिनों बाद धूप निकली। और जी आप भी बातें कर रही हैं, अच्छा करें। आज चूँकि 3 से 4 दिनों बाद धूप निकली है, बहुत एक लॉन्ग टाइम बाद, तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों की हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। तो आज विटामिन डी लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। पानी क्योंकि बिल्कुल नहीं है, अब पानी यहाँ पे माहौल ये वाला हो गया, वी आर लिविंग इन अ मेन सिटी, मेन सिटी यू कैन से कमर्शियल मार्केट इन रावलपिंडी, जो जुड़वा शहर का बहुत ही मशहूर जगह है, यहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है, पानी वाला सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पानी ज़मीन में बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे, डिफरेंट जगह पे प्लांट्स लगे हुए हैं, लोगों ने घरों में बोर करवा के पानी भर के बेचते हैं, और पानी की कमी यूँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो होपफुली ये जो चीफ जस्टिस, यस तो गाइस अभी धूप लगवाई जा रही है, और धूप में जो है सबसे ज़्यादा आपका विटामिन डी जो है वो विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम किन किन चीज़ों में होता है, दूध अगर हम पीते हैं और हम विटामिन डी नहीं ले लेते, वो हमें कंज्यूम नहीं होता, तो विटामिन डी लेना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो वेयर एवर यू आर, सो यू शुड बी ये मेक श्योर करें कि आप विटामिन डी ज़रूर लें। विटामिन डी एक तो धूप में होता है, फिर फिश में होता है, और यॉल्क में होता है, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें होता है, मछली आप ले लें उसमें होता है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो ग्रोथ करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अभी हम धूप लगाएंगे। सो शी इज़ सो एक्साइटेड, अभी ये कुछ खाना पीना मांग दिया, तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए दो, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। अभी थोड़ी सी एक सुबह मॉर्निंग वॉक होती है, आज जो मेरा इरादा था हाइक पे जाने का, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सोचा था कि हाइक करने के लिए जाऊँगा। लेकिन जी अभी थोड़ी सी नाश्ता करने से पहले जो है थोड़ा सा वर्कआउट करना है, मैंने सोचा है कि थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए अभी, और वर्कआउट करने के बाद जो है कितना किया जाए। शेव करने के लिए तो जाना पड़ेगा, या फिर अभी दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अभी बाहर बच्चों को लेके जाने का भी प्लान बन रहा है, हो सकता है फैमिली के साथ कहीं बाहर बच्चों को ज़ू वगैरह में लेके जाएं, क्योंकि आज संडे है। तो अभी क्योंकि बच्चे जब अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसा होता है कि तंग करते हैं, और बच्चों की अगर एक्टिविटी ना हो तो बच्चों का ये होता है, बच्चों के ऊपर एक ये टैग लग जाता है कि बच्चा
बदतमीज़ है, बच्चा ये करता है वो करता है, क्योंकि उसको कोई एक्टिविटी ही नहीं करवाई जा रही होती। और अभी ये देख लें आप, ये एक्टिविटी चल रही है, नाउ ही इज़ डूइंग समथिंग। अभी ये अगर इसे ये चीज़ें ले ली जाएँ तो ये 1000% कन्फर्म बात है, ये मेरे पास आएगा, मुझे मेरे बाल खींचेगा, मुझे नोचेगा, और बस ये ऐसा चलता। फिर हम कहते हैं ओहो बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है, बिगड़ गया है, इसे दम कराओ, इसकी दवाई लो, ये करो वो करो। तो एक्चुअली में बच्चों को कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा हो लाइफ में। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई टू गो आउटसाइड, बाहर वेदर वगैरह देखा है, काफ़ी अच्छा वेदर है अभी तक। दिन के डेढ़ बज चुका है, डेढ़ पौने दो बज चुके हैं, तो अभी जाएंगे और देखते हैं, प्लान करते हैं कि बाहर पहले मैं शेव करवाता हूँ जाके, या फिर हम डायरेक्ट जाते हैं। मौके के मुनासिब से भी फैसला करेंगे। फाइनली एक दो चीज़ें हैं, एक दो गेस्ट ने आना है, अगर वो ना आए तो हम चलेंगे बच्चों को लेंगे।